यदि काम करते वक्त कहीं चोट लग जाए, कोई स्क्रैच आ जाए या कोई घाव हो जाए, तो टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगाने की सलाह दी जाती है। हम टेटानी या सी टेटानी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जा सकता है और हमें टिटनेस जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। ये इन्फेक्शन के कारण ही होती है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन का शेड्यूल पूरा किया हुआ है, उनको टिटनेस होने की संभावना नहीं होती है। टिटनेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सी टेटानी बैक्टीरिया शरीर में घाव या स्क्रैच के द्वारा ही प्रवेश करता है। यदि समय पर इस बीमारी का इलाज नहीं किया गया, तो ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। पूरी दुनिया में टिटनेस आज भी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बना हुआ है। साथियों, यदि मेरे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें एवं जिस बीमारी के बारे में भी जानना चाहते हो, प्लीज कमेंट करें। टिटनेस का इंक्यूबेशन पीरियड 8 से 21 दिन हो सकता है। यह बैक्टीरिया जब किसी के शरीर में आ जाता है, तो ये टॉक्सिन्स रिलीज करता है और वो टॉक्सिन्स के सिम्टम्स अपियर होते हैं। टिटनेस के सिम्टम्स में क्रैम्प्स, मांसपेशियों में अकड़न या लॉक जो, लॉक जो कहते हैं जबड़े को जाम हो जाना, गर्दन में अकड़न, निगलने में कठिनाई, पेट की मांसपेशियों का कठोर हो जाना, पसीना आना, हाई बीपी हो जाना। टिटनेस में जो क्रेम्स आते हैं, ये कई दिनों तक बने रह सकते हैं, इसलिए टिटनेस को हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत मेडिकल एड लेना चाहिए। यदि कहीं घाव हो भी जाता है, तो उसकी केयर भी अच्छी तरह से की जानी चाहिए। टिटनेस से बचाव का सबसे बेहतर और सुरक्षित तरीका है वैक्सीनेशन। जैसा कि हमारे पूरे देश भर में नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत पैदा होने से लेकर 1 वर्ष तक टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस के टीके लगाए जाते हैं, जिसमें पहला डोज 2 महीने पे, दूसरा डोज 4 महीने पे और तीसरा डोज 6 महीने पे लगाया जाता है। इसके बाद बूस्टर डोज, चौथा जो डोज है, वो बच्चे का वो 18 से 24 महीने की उम्र में लगाया जाता है और पांचवा डोज टीटी का 4 से 6 साल की उम्र में दिया जाता है और छठवां बूस्टर डोज 11 से 12 साल की उम्र में दिया जाता है। ये टीकाकरण पूरा हुआ है तो फिर इस बात की गारंटी हो जाती है कि उसको टिटनेस की बीमारी नहीं होगी। दुनिया में पहली बार फॉर्मेल्डिहाइड के साथ 1920 में टिटनेस टॉक्सिन को इनएक्टिव करने की विधि खोजी गई। इसके कारण 1924 में टिटनेस टॉक्साइड का विकास हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टिटनेस टॉक्साइड के टीका का व्यापक रूप से सेना के अंदर प्रयोग हुआ, जिससे सैनिकों को टिटनेस होने से बचाया जा सके। भारत में टिटनेस टॉक्साइड के मामले अभी भी पाए जाते हैं और अधिक हैं, और इसका कारण है स्वास्थ्य शिक्षा की कमी, जानकारी का अभाव, बुनियादी हाइजीन नहीं होना, नाक कान छिदवाना, सेप्टिक हो जाना या डिलीवरी के वक्त टिटनेस होने के ज्यादा चांस होते हैं। और मेरा पूरा वीडियो देखें, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। किसी भी बीमारी के बारे में जानने के लिए आपको पूरा वीडियो ही देखना चाहिए, तभी आप पूरी जानकारी उस बीमारी के बारे में प्राप्त कर पाएंगे।